राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जयपुर प्रथम सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के निर्देश पर गठित टीम ने सुभाष नगर दूध मंडी में छापे मारे। इस दौरान चिकित्सा विभाग की टीम ने अलग अलग दुकानों से 50 से अधिक दूध के सैंपल लिए और मौके पर ही फूड सेफ्टी मोबाइल लैब पर नमूनों की जांच करवाई। अचानक हुई कार्रवाई से दूध मंडी में हड़कंप मच गया। हालांकि टीम के द्वारा लिए गए सभी सैंपल जांच में सही पाए गए। फूड इंस्पेक्टर सुशील चोटवानी ने बताया कि दूध में किसी प्रकार के केमिकल, यूरिया, डिटर्जेंट, तेल आदि की मिलावट नहीं मिली है। वहीं कार्रवाई को लेकर सुभाष नगर दूध मंडी साख समिति अध्यक्ष कैलाश यादव ने विभाग के इस प्रयास की सराहना की और मौके पर दूध विक्रेताओं को जांच करवाने के लिए प्रेरित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी का ये जो पहल है, जो प्रयास है, वो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इस दूध के बारे में जो लोगों में भ्रांतियां बन गई कि मिलावट का दूध है या मिलावट करने के लिए यहाँ शहर में दूध विक्रय करने के लिए लोग आते हैं, हम तो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से टाइम टू टाइम एक अभियान ही नहीं बल्कि रेगुलर इस तरह का प्रयास होना चाहिए ताकि जनता में इस तरह का मैसेज जाए कि जनता इसको समझे कि दूध हम शुद्ध बेच रहे हैं। जो सैंपलिंग लिए हैं, लगभग हमारे यहाँ 60-70 सैंपलिंग लिए हैं। अब इस लेबोरेटरी के माध्यम से जो टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, दुग्ध वितरक कल्याण संस्थान के जो हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, उनने एक अच्छा प्रयास करके 6 से लेकर 7 फेंट 5 फेंट तक के जो पीएफए का जो स्टैंडर्ड है, उससे कहीं अधिक स्टैंडर्ड का दूध यहाँ हमारे यहाँ विक्रय हो रहा है। राजधानी में छापेमार कार्रवाई की गई है, क्या कुछ रहा कार्रवाई में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं फूड इंस्पेक्टर सुशील चोटवानी जी। चोटवानी जी, क्या कुछ उद्देश्य था इस कार्रवाई का, क्या कुछ इनपुट पे कार्रवाई की गई थी या फिर रूटीन आपकी कार्रवाई थी जिसमें रैंडम सैंपलिंग की गई थी? आशीष जी, ऐसा है कि अभी विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया है 8 से 14 तारीख तक, विशेष रूप से दूध के लिए जी, क्योंकि जैसा कि अभी पिछले दिनों मीडिया में खबरें आई कि कुछ डेयरी में मिलावटी दूध सप्लाई हो रहा है जी, उसको लेके इस अभियान में दो मुख्य चीजें जोड़ी गई हैं। एक तो एक FSSAI द्वारा हर जोन हेडक्वार्टर पे मोबाइल लैब दी गई है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील जी। तो विभाग ने इसको इस अभियान के साथ जोड़ दिया है कि हम लोग जहां पर भी दूध की प्रचुरता में बिक्री होती है, उन पॉकेट्स में, उन क्षेत्रों में जाकर के मौके पर ही चेक करें कि दूध की क्वालिटी कैसी है। बिल्कुल उसी क्रम में आज हम दूध मंडी में मोबाइल ऑन व्हील वैन को लेकर पहुंचे थे जी। और अच्छी बात यह रही कि हमने करीब 20 दूध विक्रेताओं के दूध जो चोमू बेल्ट से ज्यादातर आते हैं, अनंतपुरा, जैतपुरा, रामपुरा, डाबड़ी, चीतवाड़ी जी, इस एरिया से जो दूध लेके आते हैं विक्रेता, उनके हमने दूध के नमूने चेक किए जी। तो प्रथम दृष्टया जो अभी भ्रम फैला हुआ है लोगों में, काफी डर है कि भाई यूरिया, डिटर्जेंट इस तरह की मिलावट होती है जी, तो इस तरह की यूरिया, डिटर्जेंट, तेल है, नमक है, चीनी है, इस तरह की कोई मिलावट नहीं पाई गई है। बिल्कुल, और ये एक अच्छी बात रही। चोटवानी जी, यहाँ पर ये जानना चाहूंगा जी, हाँ जी चोटवानी जी, ये जानना चाहूंगा, पहले आप सैंपलिंग करते थे, आप जाते थे सैंपल लेकर आते थे, फिर लैब में वो जाते थे, कब उनकी जांच रिपोर्ट आती थी, पता नहीं उनमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अब मोबाइल वैन का जो प्रयोग है उससे लोगों में जो एक दहशत होती थी, आप लोग जब छापेमारी करते थे लोगों में टेरर होता था, आपने जैसे सैंपलिंग की मीडिया में खबरें आती थी कि इतने सैंपल ले लिए गए, अब वो सैंपल ठीक भी होते थे, जैसे आज आपने 50 सैंपल लिए, उन 50 के 50 में मिलावट नहीं मिली है, तो ये एक जनता को सुकून देने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को सुकून देने वाली बात भी है, और एक प्रश्न रह जाता था कि भाई जब तक नमूने की रिपोर्ट आएगी तब तक तो दूध मावा जो भी है वो बिक चुका होगा। बिल्कुल, तो उस क्षेत्र में उस पॉइंट को लेकर के एक अच्छी शुरुआत की है हमारे विभाग ने जी, और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और साथ ही जहां पर इस तरह की शिकायतें आएंगी वहां तुरंत कार्रवाई होगी, लैब, मोबाइल लैब से ही तुरंत मौके पर ही जांच रिपोर्ट हम कर सकेंगे जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे फूड इंस्पेक्टर सुशील कुमार चोटवानी, जिन्होंने अपडेट दी किस प्रकार से मोबाइल वैन के जरिए मौके पर ही सैंपल लेने के बाद जांच रिपोर्ट भी लेकर जारी कर दी जाती है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल नहीं रहता है।
एवन न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।